मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 60, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम कर चुके हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इसमें हमें डेसिमल का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर एक नंबर देखेंगे हम। क्वेश्चन इज 14.5 and 8। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो इसे हमें सॉल्व करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए, 14.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से करते हैं, आप पहले उसी तरह से करेंगे। जैसे 8 5 40, यहाँ 4 कैरी 0। नाउ 8 4 32, 32 प्लस 4 ये हो गया आपका 36। नौ 8 1 8, 8 प्लस 3 11। ओके, तो ये आपने मतलब 145 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें डेसिमल लगाना है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड डेसिमल काउंट कर लीजिए। जितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा है आप आंसर में, उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ देखिए, वंस के प्लेस से देखेंगे तो वन डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ आंसर में भी आप वन डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स वंस की प्लेस से वन डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसी तरह से देखिए, हम क्वेश्चन नंबर बी भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया गया है, बी में है 123.4 को मल्टीप्लाई करना है 12.0 से। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आप ज़ीरो हटा दें। आप चाहे तो 11 डिजिट में भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम पॉइंट हटा दे रहे हैं अभी दोनों, तो यहाँ पे 1234 को मल्टीप्लाई करना है 120 से। ओके, तो पहले हम यहाँ ज़ीरो हटा दे रहे हैं, ज़ीरो है लास्ट में इसलिए हमने एक ज़ीरो लगा दिया है। अब क्या बचा, 12 को मल्टीप्लाई करना है इन नंबरों से। तो 12 की टेबल 4 में 12 4 48, 48 का ऊपर 4, यहाँ हमने 8 लिख दिया है। नाउ 12 3 36, 36 में हमने 4 को ऐड किया तो हो गया हमारा 40, ये लिख दिया हमने। 4 कैरी दे दिया, 0 नीचे लिख दिए हैं। नाउ 12 2 24, 24 प्लस 4 हो गया आपका 28। नाउ 12 1 12, और यहाँ पे 2 14। ओके, ये आपने 1234 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स ये आंसर हो गया आपका, 1234 को आपने मल्टीप्लाई किया है 120 से। अब आपको डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल देखिए, हम ऊपर और नीचे जो दो नंबर दिए गए, इन दो नंबरों में देखेंगे कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के पहले, यहाँ पर भी 1 डिजिट के पहले, तो मतलब 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे वंस की प्लेस से 2 प्लेस के पहले हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2। तो आंसर आपका होगा 1480.80। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चंस को भी करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमने देखिए ए 68.34 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 10 के साथ डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं आपको इसमें दो मेथड बताऊंगी। पहला मेथड हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 68.34 है, और यहाँ पर देखिए 10 है, 10 के पीछे 10 लगा हुआ है, ठीक है, 10 में 10 होते हैं। तो आप जो पॉइंट है ये 1 डिजिट पहले लगा दीजिए, ये यहाँ से है तो ये यहाँ से जंप करके एक प्लेस पहले हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट आपका आंसर क्या होगा, 6.834। ओके, या इसका दूसरा इजी मेथड ये है कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर है, आप वो नंबर बिना डेसिमल के लिख लीजिए, उसके बाद देखिए अपॉन में यहाँ 10 है, डिवाइड 10 से करना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 डिजिट है मतलब यहाँ पे आप 2 ज़ीरोस ऐड कर दीजिए। ओके, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट रहेगी आप उतने 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपका नीचे कितना हो गया, 1000, मतलब कितने 0, 30। तो आप वंस की प्लेस से 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर सेम हो जाएगा।
ओके। तो बेटा आपको जो मेथड इजी लगे आप वो करिए। अगर आपको ये लगता है कि आप एक प्लेस पहले पॉइंट लगा सकते हैं या जितने ज़ीरो रहेंगे उतनी प्लेस पहले आपको पॉइंट लगाना है, अगर आपको ये टफ़ लगता है तो ये दूसरा एक इजी मेथड है कि आप पहले पॉइंट हटा दीजिए और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होगी यहाँ डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरोस बढ़ा दीजिएगा। ओके, इसी तरह से देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर बी एक और एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। 128.74 डिवाइडेड बाय 100, तो मैं आपको इस इजी मेथड से बता देती हूँ। 100 यहाँ पे जो नंबर है पहले पॉइंट हटा के हम लिख देंगे, अपॉन में ये 100 है। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो वो हम यहाँ पर पॉइंट यहाँ हटा दिए है तो नीचे उतने ज़ीरोस ऐड कर देंगे। अब देखिए कितने ज़ीरोज़ है, काउंट करिए, 1 2 3 4, तो ऊपर में भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा तो आंसर हो जाएगा 1.2874। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।